अभी अभी मैं शावर लेकर आई थी, मैंने कहा चलो ऊपर जाकर ना बॉडी की थोड़ी टकोर कर लेती हूँ, धूप सेक लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना धूप जब लगती है ना, बंदा जब शावर लेकर आता है तो धूप बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे धूप लेने का भी कोई सीन नहीं है। मेरी अम्मा जी ने ना आज सारे घर के पर्दे धुलवाए हैं, कपड़े धुलवाए हैं, तो पूरी छत पर कपड़े ही कपड़े, यहाँ तक कि सूरज मामा भी ढके पड़े हैं कपड़ों से, तो कोई धूप शूप नहीं आनी है, इसलिए बेटर है मैं नीचे ही चली जाऊँ। इतनी खुशी के साथ जो है वो मैं ऊपर आई थी ना धूप सेकने, मेरी सारी खुशी जो है वो चौपट हो गई, क्योंकि जब आप सर्दियों में नहाते हैं ना, उसके बाद जब आप धूप में आकर बैठते हो, इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, बड़ी कोई कमाल की फीलिंग आती है, और साथ में किन्नू हो, आ हा, मजा आ जाता है। बदकिस्मती से आज धूप के मजे लेना ना मेरे नसीब में नहीं था, तो मैंने कहा बस चल बेफातमा बेटा, अब तू नीचे चलो, नीचे चल के कबाब फ्राई कर, क्योंकि दोपहर का वक्त था ना, सबको भूख लग रही थी, और ये कबाब मैंने नहीं बनाए थे, मेरी अम्मी जी ने बनाए थे, जब मैं बीमार थी ना तो अम्मी ने कबाब बना के ना फ्रीज कर दिए थे, तो ये कबाब ही फ्राई कर करके फिर मेरे घर वाले खा रहे थे। मुझसे किसी ने पूछा भी था उस पिछली वीडियो पे ना, कि आप ही जब आप बीमार होगी होगी आपके घर वालों के तो मजे मजे के खाने खाने से वो महरूम हो गए होंगे, फिर वो क्या कर रहे थे, फिर मेरे घर वाले ना सिंपल खाना खा रहे थे, जो मेरी अम्मी पका रही थी ना, मेरी अम्मी सिंपल खाना पकाती है ना, वही ये खा रहे थे चुप करके, शांति के साथ, सुकून के साथ। वैसे तो मेरी अम्मी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मेरी अम्मी ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा पहले दस्तरखान सजा लेती थी, वो हमारे घर के लिए ना रोज़ 2-3 आइटम ज़रूर बनाती होती थी, लेकिन अब उनकी एज हो गई है, वैसे भी मेरी अम्मी को घुटनों का और जोड़ों का ना इशू है, तो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, तो इस वजह से अब अम्मी से ना इतना फैंसी खाने लवाजमात नहीं बनते होते, तो अब उम्र हो जाती है ना इंसान की, तो यार फिर वो इतना ज़्यादा कर भी नहीं सकता, तो इसलिए फिर मेरी अम्मी ना सिंपल ही खाना बना सकती हैं। मुझे सर्दी बहुत लगती है, आप मुझे ना अब सर्दियों में जर्सी के साथ ही देखेंगे, मैं फौरन नहा के आती हूँ ना, उसके 5 मिनट बाद मैं फौरन जर्सी पहन लेती हूँ, उससे बिल्कुल भी सर्दियों में जर्सी के बगैर नहीं रहा जाता। इवन कुछ लोगों में आदत होती है ना, वो रात को भी जर्सी उतार के सोते हैं, लेकिन मैं उनमें से हूँ जो जर्सी पहन के सोती हूँ, मेरे घर वाले इतने कोनों उन्हें उलझन होती है जर्सी के साथ सोने में, लेकिन मुझे नहीं उलझन होती, अगर मैं जर्सी उतार के सो रहा मुझे नींद ही नहीं आती है, मुझे आदत है जर्सी के साथ सोने की, मुझे इतनी कोई ठंड लगती है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यहाँ पे मेरी फोड़पन के आप निशानियां तो देख ही रहे होंगे, मैंने सारे कबाब एक ही साथ डाल के ना, मैंने कहा मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ, मैं क्यों इतनी देर खड़ी रहूँ और जो है नज़ाकते अदाकारियां दिखाती रहूँ, जो मैंने सारे कबाब एक साथ डाल के फ्राई कर दिए, खैर ये सारे फ्राई हो जाएंगे, और ये कोई टूट भी जाएंगे तो कोई गल नहीं, खाने ही है ना, पेट में जाना, पेट में जाके वैसे ही सब कुछ मिल जाना, वैसे ही गुड़ुम शुड़ुम हो जाएगा पेट में जाके, तो अगर कोई टूट भी जाए तो खैर है, कौन सा मेहमानों को सर्व करना, खुद ही तो खाना है। आज मैंने खाना तो पकाना नहीं है, क्योंकि शाम को हम लोग जाएंगे बाहर, आज हम बाहर डिनर करेंगे, मेरा बर्थडे डिनर, वैसे तो मेरी बर्थडे अभी नहीं है, मेरी बर्थडे 10 दिसंबर को है, यानी फ्राइडे को मेरी बर्थडे है, लेकिन मेरी बहन का ना एनुअल डिनर है फ्राइडे को, फिर वो घर नहीं होगी, तो इसे फिर हम लोगों ने सोचा हम जो है 2 दिन पहले जो है वो डिनर कर लेते हैं, बाद में केक कट कर लेंगे, वैसे भी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मुझे बर्थडे मनाने का कोई भी शौक नहीं है। बर्थडे जो होती है ना छोटे बच्चों के चौंचले होते हैं, बड़े होता है ना इंसान जो है उसे इस तरह के कोई शौक नहीं रहते, बल्कि मैं बुढ़ी होने के करीब जा रही हूँ, मुझे उदास होना चाहिए, और ये मेरे लास्ट बर्थडे है अपने फैमिली के साथ, मीन्स ये अपने घर में मेरा लास्ट है, क्योंकि अगले साल मैं इधर नहीं होंगी, मेरी शादी हो चुकी होगी, क्योंकि जब भी अगला बर्थडे आएगा ना उस टाइम मैं इस घर में मौजूद नहीं होंगी। ये मेरा फैमिली के साथ ना अपने इस घर में लास्ट बर्थडे है बस, अब जब 10 दिसंबर को केक कट कर लेंगे, बर्थडे डिनर हम लोगों ने पहले ही कर लिया, और जो है इसके अलावा यार हाँ एक क्वेश्चन आता है होम टूर का, कि आप ही आप होम टूर करवा दें, यार वैसे तो मैंने आपको अपना सारा घर दिखा रखा व्लॉग में, आप लोग सारा घर ही तो मेरा देख लेते हैं, ऐसा तो कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से व्लॉग में आप सारा ही घर दिख रहा होता है मेरा ना, लेकिन चले फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, खैर टाइम क्या निकालना, हो तो मैं इंतहा दर्जे की वेली तो कभी मैं आपको ना होम टूर करवा दूंगी, इसीलिए होम टूर नहीं करवाया, बेफिक्र रहे, शादी होने से पहले ना मैं आपको होम टूर करवा के जाऊंगी, बेफिक्र रहे। Oh,
मेरा बड़ा दही भल्ले खाने को दिल कर रहा था, फिर मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू दही भल्ले ले आओ, मेरा बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी दही भल्ले खाने की। बहुत मुझे दही भल्ले ना वैसे भी बहुत पसंद है, मुझे बड़े मज़े के लगते हैं दही भल्ले। मैं ना मुझे आप में से किसी ने कमेंट करके कहा कि आप ही आपके अंदर कौन सा मैकेनिज्म है कि आप काम कर करके थकती नहीं हो, आप इतना काम कैसे कर लेती हो यार। इतना ज़्यादा काम तो मैं नहीं करती होती, सिर्फ किचन का ही तो काम करती हूँ, बाकी तो सारे काम हेल्पर करते हैं। बस किचन का ही काम मैं करती हूँ, खाना वगैरह पकाने को, और तो कोई एक्स्ट्रा काम मैं नहीं करती होती। और क्या करूँगी यार घर में बैठ के, और वैसे कुछ करने को नहीं होता। स्टडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, जॉब तो मैं करती नहीं, जॉब मैंने छोड़ दी, तो और फारिग बैठ बैठ के ना इंसान का दिमाग वैसे शैतान का घर बन जाता है। इसे फारिग तो वैसे भी नहीं बैठना चाहिए, इंसान को अपने आप को ना मसरूफ रखना चाहिए। फिर मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, नई नई रेसिपीज बनाना, आपको सिखाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए बस जो चीज़ बनाती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाता है और आप लोगों का वीडियो देख के अच्छा टाइम पास हो जाता है। बस वरना फारिग बैठ कर और मैंने क्या करना। अच्छा जी, इसके बाद ना हम लोग आ गए थे बाहर, रात के वक्त आए थे, आज हम आए थे तहजीब रेस्टोरेंट। हमने कहा आज हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि ओपन एरिया हो ना, ओपन इन्वायरमेंट में हो, क्योंकि बाकी तो दूसरे रेस्टोरेंट्स तो हम आते रहते हैं। हमने कहा चलो आज हम ना डिफरेंट सा न्यू रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं। बड़ी सर्दी है, कुल्फी जम रही थी बाहर बैठ के, मेरे तो दांत बज रहे थे बुरी तरीके से ना। बाकी मेरे घर वालों को इतनी सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे तो बहुत लग रही थी, क्योंकि मैं जर्सी सॉक्स वगैरह सब पहनकर आई थी, लेकिन मुझे फिर भी बाहर बैठकर बहुत ठंड लग रही थी। मैं कह रही थी इससे अच्छा तो बंदा अंदर ही बैठ जाए, ये तो सारा टाइम मेरे दांत ही बजते रहेंगे, बस खाऊंगी तो मैं कम, दांत ही बजते रहेंगे मेरे। जो मेरा जैसा बंदा होगा ना जिसे सर्दी बहुत लगती होगी, वो नहीं बाहर बैठ सकता। बाकी इनके जो प्राइस लिस्ट थी ना वो तो ठीक थी, इतने ज़्यादा प्राइस ही नहीं थे इनके ना, और मेन्यू में काफी अच्छी वैरायटी थी। हाँ मैंने इनका कलमी चिकन सुना है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं खा आई थी ना तब मुझे पता चला था कि इनका कलमी चिकन टिक्का ना ट्राई करना चाहिए, उससे पहले मुझे नहीं पता था। चलो नेक्स्ट टाइम चक्कर लगा तो इनका कलमी चिकन टिक्का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे मुझे इतनी सर्दी लग रही थी ना, तो मैंने कहा सबसे पहले सूप ऑर्डर कर ले बंदा, ताकि थोड़ी सर्दी तो कम हो। और इनका सूप जो है ना वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, बहुत फजूल सूप था इनका, इतना थिक सा सूप था इनका, से जैसे जैली नहीं होती, थिक थिक सी गाढ़ी गाढ़ी सी जैली होती है ना, उस टाइप का सूप था, बहुत ही फजूल किस्म का सूप था इनका। सूप मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा मुझे बाहर के सूप ना वैसे भी अच्छे नहीं लगते, कोई इतना थिक सूप बनाया हुआ होता ना बाहर वालों ने, पता नहीं इतना थिक सूप क्यों बनाते हैं। हाँ ना सूप थिक होता है, लेकिन उसे इतना भी थिक करने की क्या ज़रूरत है कि वो जैली बन जाए। मजबूरी में हमने इनका सूप पिया था, मैंने इनका सूप पीने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था, मेरी तरह से इनका जो सूप है ना वो नॉट रेकमेंडेड। We'll be right back.
जी हमने ऑर्डर किया था, सूप ऑर्डर किया था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। चिकन हांडी वो बहुत मज़े की थी, चिकन सीख कबाब वो भी बहुत मज़े के थे, और इनकी जो चाउमीन थी वो भी बहुत मज़े की थी। ये तीनों चीज़ें टेस्ट में 10/10 थी। चाउमीन तो मुझे इनकी बहुत मज़े की लगी थी, सबसे फर्स्ट नंबर पर मेरी तरफ से हांडी थी, उसके बाद चाउमीन थी, और फिर सीख कबाब थे। मैं वैसे भी सीख कबाब तो इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन बाकी इनका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट था, फूड था और वो थी सर्विसेज थी, वो सब कुछ बहुत अच्छे थे और रेट भी रिजनेबल थे। और सबसे अच्छा इनका जो नान था ना वो बहुत मज़े का था, उसके साथ हांडी का बड़ा मज़ा आया। अगर कोई यहाँ पे आए ना तहजीब रेस्टोरेंट में तो इनको नान मंगवाइएगा, इनका रोटी मत, नान इनका बहुत मज़े का है। प्लीज़ जो लोग डाइट पर है वो इस वीडियो को ना देखें, वो इस पार्ट को स्किप कर दें, फिर कहेंगे आपी जी आपने हमारी डाइट ख़राब कर दी है, इसलिए मैंने पहले बता दिया है। और ये मैं जब भी बोतल पीती हूँ ना, मैं अपनी सबसे बड़ी वाली नंद को याद करती हूँ, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली नंद है ना वो बोतल नहीं पीती होती, चाहे वो पिज़्ज़ा खाए, बर्गर खाए, कुछ भी खाए, दुनिया की कोई भी चीज़ खा रही हो ना वो बोतल नहीं पिएंगी। पता नहीं उनका कैसा मेदा है जो बगैर पिज़्ज़े के सारी चीज़ों के अटक जाती है वो बगैर बोतल के। लेकिन मेरी बड़ी वाली नंद है ना, उन्हें काफ़ी साल हो गए उन्होंने बोतल ही नहीं पी आज तक लाइफ में, मेरे तो हलक में अटक जाते। वो कहते हैं जैसे हाजमोला आपके खाने को हाजमा देती है, इस तरह मेरे तो खाने को हाजमा बोतल देता है। जब तक बोतल ना पीऊँ खाना ही हजम नहीं होता है। मैं तो अपने जब भी बोतल पीती हूँ ना हमेशा अपनी बड़ी नंद को याद करती हूँ, पता नहीं वो कैसे सारी चीज़ें खा लेती हैं बगैर बोतल के। यही निक्कू मिक्कू सा व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।